सुमेरपुर में स्थानीय लोगों ने जवाई बांध के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि जवाई बांध में आए दिन हत्या कर शव फेंकने और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे मामलों में पुलिस कभी सच्चाई का खुलासा नहीं कर पाती। ऐसे में सीसीटीवी लगाने से यहां होने वाली घटनाओं की सच्चाई भी सबके सामने आ सकेगी और इसे लेकर जन जागृति सेवा संस्थान और लोगों ने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता चंद्रवीर सिंह को ज्ञापन देकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। वहीं इसे लेकर अधिशासी अभियंता चंद्रवीर सिंह ने कहा कि इस दिशा में उन्होंने केंद्र सरकार की DRIP योजना में प्रस्ताव बनाकर भेजा है और बजट आने के बाद कैमरे लगाए जाएंगे। वहां क्या है कि 2019 में और इसके पहले वाले सालों में बहुत आत्महत्या और हत्याएं भी हुई है, उससे पता नहीं लगता है तो पुलिस को बहुत परेशानी होती है और ये कैमरा लगने से पता लग जाएगा कौन आया था कौन नहीं आया और जो अवैध जो व्यापार भी चलता है गांवों में वो भी पकड़ में आएगा। बिल्कुल बहुत ही उचित मांग है क्योंकि जवाई बांध के आसपास में करीब 100 गांव लगते हैं और दो बड़े बड़े व्यापारिक क्षेत्र केंद्र है सुमेरपुर और सिवनी, जहाँ पर हजारों लोगों का यात्रा के लिए आवागमन होता है और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर जवाई बांध पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी बंधु ने बहुत अच्छी ये मांग उठाई है और मांग भी बहुत वाजिब है और इसके लिए हम कोशिश करेंगे, मैं भी इसमें सहयोग करूंगा, अगर कोई बंधु ये इसके लिए अगुवाई करता है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। विशेष तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार की एक जो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से DRIP में जवाई बांध के प्रस्ताव भेजे हुए हैं जिसमें हमें अनुमान आशा है कि करीब 10 करोड़ रुपए इसकी रिनोवेशन और मॉडिफिकेशन में मिलेंगे। उसमें हमने कैमरों का यथा स्थिति मेन डैम पे भी और इस तरीके से कैमरों का हमने प्रोविजन लिया है। यदि वो बजट सेंक्शन हो जाता है तो हमें किसी की मदद नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको आगामी 6 महीने में लगा पाएंगे। ऐसे